हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग ऑफ उत्तराखंड ब्यूटी। सो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं देहरादून का एक फेमस बुद्धा टेंपल, या आप कहें तिब्बतियन टेंपल। वैसे गाइस, जो इसका रियल नेम है वो है शेडप चोपेलिंग टेंपल। गाइस, इस टेंपल पर आपको तीन स्पॉट मिलते हैं। फर्स्ट इज बुद्धा टेंपल, सेकेंड इज स्टूपा, एंड थर्ड वन इज दलाई हिल्स। दलाई हिल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन जहां से आपको मसूरी का काफी ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। एंड गाइस, अभी हम हैं मसूरी में, एंड मसूरी से ये टेंपल अराउंड 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड गाइस, व्लॉग को लाइक करना, शेयर कर देना सबको, और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलते हैं और वहीं पर आपसे बात करते हैं। लेट्स गो टू द डेस्टिनेशन। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर दलाई हिल्स। आप देख सकते हो, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये दलाई हिल्स का मेन गेट है जिसपे लिखा है बुद्धिस्ट टेम्पल। सो यहाँ से अंदर का पूरा रास्ता स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको 3 स्पॉट्स बताए थे, टेम्पल, देन स्टूपा, एंड थर्ड वन इज दलाई हिल। सो यहीं से आपको ऊपर जाना होगा। सो आइए चलते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल व्यू स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, एंड यहाँ आपको स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिसका नाम भी दलाई हिल है। गाइस, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुद्धा टेंपल, ड्यू टू COVID-19 ये टेंपल पिछले 1 साल से बंद है, इसलिए हम आपको टेंपल नहीं दिखा सकते। बाकी स्टूपा एंड दलाई हिल्स आगे है, तो चलते हैं। ये जो आप मेरे बैक साइड में मॉन्यूमेंट देख रहे हो, या आप कहो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्टूपा। एंड गाइस, स्टूपा के आपको राउंड लगाने होते हैं और एक मंत्र बोलना पड़ता है। जो मंत्र है तिब्बतियंस का वो है ओम मणि पद्मे होम। मींस ओम मतलब परमात्मा, मणि मतलब हमारी आत्मा, पद्मे मतलब हमारा शरीर, और होम मतलब हम। सो गाइस, ये है इसके राउंड लगा के ये मंत्र आपको बोलना पड़ता है। एंड गाइस, जो आप ये स्टूपा देख रहे हो, ये जो तिब्बतियंस की माता है तारा माता, उनका स्टूपा है, जिनको विजय की देवी भी कहा जाता है। सो गाइस, ये था कुछ स्टूपा का छोटी सी हिस्ट्री। सो चलते हैं आगे। फाइनली गाइज, वी आर हियर द दलाई हिल्स, एंड आप देख सकते हो अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी इसको थोड़ा ढका हुआ है, एज यू कैन सी कि आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, सच अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम दलाई हिल। सच में ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से आपको नजर आएगा।
गाइज आपको वो दूर जो माउंटेन का पीक नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ जॉर्ज एवरेस्ट। एंड आप देख सकते हो यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट कैसा नज़र आता है। एंड आप दूर भी देख सकते हो कि जॉर्ज एवरेस्ट एंड दलाई हिल के बीच में कितना डिफरेंस है। बट दोनों ही पीक से काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू नज़र आता है। जब आप दलाई हिल्स आते हो तो यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की एक स्टैचू मिलेगी। हाँ, अभी तो मैंने आपको दिखाया, इस पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो अभी इसको थोड़ा ढका हुआ है। बट बताते हैं यहाँ पर 1949 में तिब्बतियंस के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा आकर बैठे थे, इसलिए यहाँ पर भगवान बुद्ध का एक स्टैचू बनाया गया है। एंड गाइस ये काफ़ी हाइट पर है जैसा कि आप देख भी सकते हो। सो गाइस आप जब दलाई हिल्स पर आओगे या आप किसी भी तिब्बतन टेम्पल पर चले जाओ तो आपको वहां पर टू टाइप्स के फ्लैग्स देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको मल्टी कलर में, एक जो टोटली रेड होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। जो मल्टी कलर में फ्लैग्स होते हैं उनको विशिंग फ्लैग्स बोलते हैं एंड तिब्बतन लैंग्वेज में उसको दार चोक बोलते हैं। एंड जो टोटली रेड कलर में फ्लैग्स होते हैं उनको प्रेयर फ्लैग्स बोलते हैं। एंड जो तिब्बतन में उसको बोला जाता है लैंग्वेज में वो बोला जाता है लांगथा। जो दारचोग होते हैं विशिंग फ्लैग्स, बेसिकली गाइस वो किसी भी विश को पूरी करने के लिए लगाए जाते हैं। एंड मानना है कि वो जितना वेव करते हैं, जितना हिलते हैं, उतनी आपसे जो बैड स्पिरिट्स हैं वो आपसे दूर रहती है। एंड गाइस तिब्बतियंस का ये भी मानना है कि जो विशिंग फ्लैग्स होते हैं उनके जो छोटे छोटे रेशे या आप देखें कि धागे निकले होते हैं वो जहाँ भी गिरते हैं उस जगह को पावन बना देते हैं, ऐसा तिब्बतियंस का मानना है। एंड गाइस वन मोर थिंग, जितने भी आपको ये मल्टी कलर में फ्लैग देखने के लिए मिलेंगे इनके बीच में आपको एक वाइट कलर का स्कार्फ भी देखने के लिए मिलेगा। बताते हैं गाइस कि उस पर आप कुछ भी लिखते हो तो, या आप कोई भी अपनी विश मांग कर उस पर लिखते हो तो बताते हैं वो भगवान या गॉड के पास जरूर पहुंचती है। एंड गाइस जो रेड वाले फ्लैग होते हैं प्रेयर फ्लैग्स, एंड तिब्बतन में बोलते हैं उनको लांगथा, उन पे बेसिकली मंत्र लिखे होते हैं तो वो प्रेयर्स के लिए होते हैं। अगर उनको आप बोलते हैं तो आपकी जो प्रेयर है वो पूरी होती है और जो गॉड है, भगवान है, उन तक जरूर पहुँचती है। सो गाइस ये था कुछ कॉन्सेप्ट इन फ्लैग्स का, तिब्बतियन फ्लैग्स का। जितनी मेरे पास इन फ्लैग्स की नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं एंड सब तक जरूर आप शेयर भी करें। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं एंड जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो काफ़ी सस्पेंस होगा और आपके लिए सरप्राइज होगा। सो अभी मैं उसको रिवील नहीं करने वाला हूँ। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको कैसा लगा ये प्लेस, एंड शेयर कर देना सबको। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी न्यू ब्लॉग में।